चुका हूँ, तो इधर चेक करें, मेरे पीछे चेक करें एक बार, जो एकदम मतलब बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल आए हैं और अभी टाइम हुआ है लगभग 5 बज चुके। और इधर है विश्वजीत, हाय हाय हाय। तो अब यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह घूम रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब जब भी मैं गांव की तरफ आ जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर का नज़ारा आप लोग चेक करें, जो अभी पहाड़ की साइड हम लोग आ चुके। तो फिलहाल तो अभी हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं पहाड़ की साइड में, और चलो फैमिली आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का सुबह का व्यू कैसा आता है, सुबह का नज़ारा किस तरह का होता है। तो फिलहाल फैमिली अभी हम लोग पहाड़ की साइड आ चुके हैं, मतलब एकदम गांव के अंदर अभी हम लोग एंटर करने वाला है। और इधर चेक करेगा इस मतलब अभी तक मतलब चांद निकला हुआ है, और इधर चेक करें बड़े बड़े करंट का तार है जो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है, मतलब वैसे आप लोग कभी गए तो आप लोगों को मालूम होगा। तो चलो इधर का चेक करें, पूरा गांव के अंदर अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह आप लोग भी अगर ऐसे जगह में जाते हो तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बॉडी को मतलब एनर्जेटिक फील होता है। तो चलो फैमिली हम लोग अभी इस तरफ जाएंगे, हम लोग एकदम पहाड़ के किनारे आ चुके हैं। और इधर चेक करें, मतलब सुबह सुबह आप लोग ये चेक करें, यहाँ बांधा गोभी का खेती है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बांधा गोभी सालगोम जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब गांव में आने से ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब टाउन में तो ये सब नहीं दिखता है ना, और गांव का बात ही कुछ अलग है भाई, मतलब गांव का बात ही कुछ अलग है, मतलब टाउन से 10 गुना मुझे अच्छा लगता है। और मैं तो गाँव में रहता हूँ फिलहाल, अभी तो मैं मॉर्निंग में रह रहा हूँ इसलिए टाउन पर रहता हूँ। और इधर चेक करें, जो पूरा आप लोग खेती ही खेती आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा खेती आप लोग इधर चेक कर से लाओ है। इधर बनाना का पेड़ है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो फाइनली फैमिली अभी हम लोग ब्रिज के सामने आ चुके हैं, तो चलो अभी ब्रिज के ऊपर उठते हैं, और ऊपर से शॉट कैसा आएगा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उठ पाऊँगा नहीं यह पता नहीं, तो फिलहाल उठ तो गया वही उठ गया। तो फिलहाल चेक करें, मैं अभी ब्रिज के ऊपर उठ चुका हूँ, फिलहाल तो डर भी लग रहा है, मतलब थोड़ा ऊंचा है। तो फिलहाल ये चेक करें, अभी मैं ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ, और ब्रिज के ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये एक नदी है जो सीधा पहाड़ से होकर निकला है, और इधर है विश्वजीत, हाय बोल दो। तो विश्वजीत अभी नीचे है, मैं अभी ऊपर हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा ऊपर है ना, गिर गया ना तो सुबह सुबह कलेश हो जाएगा। चलो फैमिली यहाँ से नीचे नाम थे, क्योंकि यहाँ का फॉग गिरा हुआ है ना, तो मतलब थोड़ा स्लिपिंग हो रहा है, तो अगर गिर गया ना तो पोपट हो जाएगा। तो चलो अभी नीचे जाते हैं। फाइनली फैमिली अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ का नज़ारा आप लोगों ने देख लिया होगा। तो फिलहाल चलो अभी हम लोग इस तरफ जाते हैं, और इस साइड में होकर एक रास्ता है जो बागान की तरफ जाता है, सीधा विश्वजीत के घर के सामने निकलेंगे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुझे रूम भी जाना है और कॉलेज भी, आज शायद जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो मालूम नहीं, मतलब रूम जाने के बाद ही मिला पाऊंगा। तो फिलहाल चलो अभी चलते हैं बागान के साइड, और बागान का व्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा सुबह सुबह का कैसा होता है, कैसा लगता है। तो चलो तो फैमिली अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, और मेरे पीछे आप लोग ये एक बार चेक करें, जो मतलब ये फर्स्ट पात निकल चुका है, छोटा छोटा पत्ता निकला है, जो आप लोग चेक करें, जो मतलब एकदम पूरा सुबह सुबह यहाँ पर मतलब फॉग भी गिरा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग एक बार चेक करें, मतलब पूरा बागान आप लोग एक बार चेक करें। तो चलो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सिनेमैटिक शॉट चेक कराते हैं, और कैसा लगता है कमेंट जरूर करना। चलो
तो फैमिली इधर चेक करें, अभी सूर्य भी निकल चुका है, मतलब बेली निकल चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलो फैमिली यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हमारा भी देरी हो जाएगा और मुझे अभी रूम भी जाना है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और सीधा विश्वजीत के घर में जाके मिलते हैं। फिलहाल फैमिली अभी हम लोग आ चुके हैं और अभी 7 बजने वाले हैं। तो चलो फैमिली फटाक से मुंह हाथ धोते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आई होप फैमिली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर तो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो, इसलिए यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। चलो